हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मोलैरिटी के टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, साथ में मोलैरिटी इक्वेशन एंड डाइल्यूशन इक्वेशन के बारे में भी देख लिया था। आज के लेक्चर में देखिए, हम बाकी के बचे कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, लाइक मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, नॉर्मैलिटी, ये सब जितने भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए थे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी के साथ। ओके, देखिए मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है। मोलैलिटी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एल आई टी वाई है जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, है ना। मोलैलिटी कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे। एक डेफिनेशन देखिए मोलैलिटी की क्या है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे भी देखिए सॉल्यूट के ही मोल लेने हैं हमें, लाइक मोलैरिटी में हम सॉल्यूट के मोल ले रहे थे, यहाँ मोलैलिटी में भी सॉल्यूट के मोल देखने हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस। मोलैरिटी में हम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर देख रहे थे, वहां पे भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट देख रहे थे, बट किसके अंदर देख रहे थे, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर देख रहे थे। यहां पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहां सॉल्वेंट टर्म का यूज किया है हमने, पर केजी किसका लिया है, सॉल्वेंट का लिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, यही आपका डिफाइंड है एज अ मोलैलिटी। तो देखिए शॉर्ट में अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर किलोग्राम को ही एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं, मोलैलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, मोल यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे किलोग्राम किसका लिया हुआ है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है इन किलोग्राम। बात समझ में आ रही है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, वही हमारा मोलैलिटी बोला जाता है ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल्स करेंगे, यही फॉर्मूले का सिंपल यूज करेंगे। ठीक है, मोलैलिटी को अच्छा ध्यान दीजिए, ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। पीछे जो हमने मोलैरिटी पढ़ा था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट था वो, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर एन बाई वी बोला था, जबकि यहां वी वाला कोई टर्म नहीं है, है ना। तो वॉल्यूम का टर्म अगर नहीं है तो ये जो टर्म है मोलैलिटी, ये कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ मास का टर्म है और मास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है, जबकि मोलैरिटी में वॉल्यूम था वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट था। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। सपोज करिए कहता है कि 4 g NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 250 g वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी हमें उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो सिंपल हमने कहा भाई इक्वेशन लगाएं अपना मोलैलिटी वाला, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल पर केजी। मोल को निकालने के लिए क्या करेंगे, मास में मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। भाई मास दिया है सॉल्यूट का, मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो मोल मिल जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना है, किलोग्राम में, तो ग्राम में दिया है 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलोग्राम में आ जाएगा, है ना। तो देखिए मोल की जगह क्या लिख दिया, मास लिख दिया NaOH का, डिवाइड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, ओवरऑल हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो 4 / 40 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 250 / 1000। बात समझ गए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/10 / 1/40
4 लिख सकता हूं, 4/10 या 0.4 मोलैलिटी का ये सॉल्यूशन होगा। बात क्लियर है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 था, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोलैलिटी को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। कहता है टू मेक अ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 should be dissolved in 500 gram वॉटर। ठीक है, कहता है कि भाई यहां पर देखिए मोलैलिटी दी हुई है, कहता है कि हमारे पास इतनी मोलैलिटी का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है हमको, 0.2 मोलैलिटी का सॉल्यूशन किसके अंदर, 500 ग्राम वाटर के अंदर। तो कहता है कितने ग्राम मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल, फिर से हम गए उसी फॉर्मूले पे, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल पर किलोग्राम, मोल की जगह मैंने क्या लिख दिया, देखिए मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सारी वैल्यूज रखी मैंने, मोलैलिटी हमें दी हुई थी, मोलैलिटी गिवन था, कितना था, 0.2 मोलैलिटी का सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट वही तो हमें पता करना है, मास हमें नहीं पता है, मोलर मास सॉल्यूट का कितना, 98 है ना। सल्फ्यूरिक एसिड बाय मोलर मास निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2+32+64 कितना आ जाएगा, 98 है ना। हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन के लिए 64, मोलर मास 98, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना था, 500 ग्राम था, डिवाइड कर दिया 1000 से। ठीक है, क्लियर। तो यहां से देखिए मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 टाइम कट होगा, 2 ऊपर जाएगा और 98 इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मास की वैल्यू देखिए आ जाएगी यहां से 98 into 0.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 ऊपर जाता तो इधर डिवाइड में आता 2 है ना। तो यहां से देखिए कैंसल होता, कितना होता, 0.1 से मल्टीप्लाई होता, 9.8 ग्राम। समझ में आ रहा है, इतना सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैंने 500 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया है तो उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी आएगी, 0.2 आएगी। ओके, तो ये था हमारा सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी। चलिए अब सीखते हैं थर्ड जो हमने कंसंट्रेशन टर्म कहा था, मोल फ्रैक्शन के बारे में। ओके, ठीक है, थर्ड जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म था मोल फ्रैक्शन, इसको हमने कहा था एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करेंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मोल का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, मोल का फ्रैक्शन। अब मोल किसके किसके प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट है और दूसरा सॉल्वेंट के मोल प्रेजेंट है। तो टोटल मोल कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, है ना। अब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल लेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, वो आ जाएगा उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। जैसे देखिए मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि भाई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मान लिया कि जो ए कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट ए वो सॉल्वेंट है और एक कंपोनेंट बी है जिसको मैंने सॉल्यूट मान लिया। ठीक है, मैं बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट को ए मान लिया, सॉल्यूट को बी मान लिया। अब मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है उस सॉल्यूशन के अंदर, एन ए, मोल किसके, ए के, ए हमने सॉल्वेंट माना हुआ है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, वो है
एन बी, तो टोटल मोल कितने हो जाते हैं, टोटल मोल उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के एन ए प्लस एन बी, ठीक है, सॉल्वेंट का मोल एन ए, सॉल्यूट का मोल एन बी। अब देखिए हमें जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज करिए मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जो सॉल्वेंट का मोल है उसको लेना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मोल से। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट किससे करेंगे, एक्स ए से, ठीक है, एक्स ए, एक्स हमने कहा मोल फ्रैक्शन, हम ए का निकालना है तो एक्स ए, एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू सॉल्वेंट का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। ऐसे ही अगर हम मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट जिसको हमने यहां पे बी से डिनोट किया है, तो उसके लिए एक्स बी लिखेंगे और एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, दोनों को ऐड करने पे वन बनना चाहिए। यहां पे अगर देखिए दोनों को मैं ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड करूं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर कॉमन है एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, और न्यूमरेटर क्या है, इस पे एन ए है प्लस यहां पे एन बी है, न्यूमरेटर में भी एन ए प्लस एन बी, तो ओवरऑल कैंसिल होगा तो क्या आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू वन के इक्वल है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन। सॉल्यूट का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा प्लस सॉल्वेंट का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा, दोनों का समेशन हमेशा कितना आना चाहिए, वन के इक्वल आना चाहिए। मतलब अगर एक का हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल रखा है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन फिर से ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, वन में से माइनस कर दीजिए, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? एक का मोल फ्रैक्शन सपोज करिए आ गया आपका 0.2, सॉल्यूट का आ गया 0.2, तो सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन होगा, वन में से माइनस कर दीजिए, 0.8 हो जाएगा। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 आ गया तो सॉल्वेंट का 0.6 हो जाएगा। दोनों मिलके कितना होना है, वन के इक्वल होना है। ठीक है, तो चलिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है और एक के ही कैलकुलेट करने की जरूरत है, दूसरे के लिए वन में से माइनस कर लीजिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, ओके, तो देखिए लाइक हमें देता है एग्जांपल के लिए कि एक ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड 180 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो कहता है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स एन एच कितना होगा और एक्स H2O कितना होगा। ओके, दोनों के मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमने कहा मोल निकालना पड़ेगा पहले भाई, हम मास का फ्रैक्शन नहीं निकालना है, यहां तो मास दिया हुआ है, ठीक है, हमें मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो हमें मोल चाहिए होगा, पहले मोल NaOH के निकाल लें, मोल NaOH के, तो NaOH का जो भी मास दिया है मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मोलर मास NaOH का कितना होता है, 40, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, मास में मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल आ गया कितना, आ गया 1/10, मतलब 0.1। ऐसे ही मैं कहूं एन एच टू ओ कितना हो जाएगा, मास एच टू ओ का 180, मोलर मास वाटर का 18, कितने आ जाएंगे 10। क्लियर, ये वाटर का मोल आ गया, सिंपल। अब देखिए यहां पे हमने कहा भाई किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज करिए NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो NaOH का मोल है ना 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 0.1 प्लस 10, मतलब 0.1 डिवाइड बाय 10.1, इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आता है वही आंसर है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर। अब ऐसे ही XH2O निकालना है, XH2O निकालना है तो जो भी आंसर आता है उसको वन में से माइनस कर लीजिए,
वो हमारा यहाँ पे वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अदरवाइज आपको ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वाटर का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल फिर से वही होगा 0.1 प्लस 10, मतलब ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 10.1, यहां से जो आता है वो वाटर का मोल फ्रैक्शन। दोनों का समेशन कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ओके क्लियर। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड कर लीजिए, दोनों मिलके अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप मोल फ्रैक्शन वाली बात को समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से पहले दोनों कंपोनेंट्स के मोल निकालेंगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल आपको करना है। ओके क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए आज का लेक्चर फिर यहीं तक रखते हैं, है ना। बाकी के बच्चे जो कंसंट्रेशन टर्म है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेते हैं। ओके, तो आज हमने यहाँ पे कवर किया मोलैलिटी को एंड मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, तो अब हमारा बचता है एक तरीके से मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट वाला टॉपिक, और साथ में एक नॉर्मैलिटी वाला टॉपिक। तो वो कवर करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।